हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कुकिंग इंडिया में। आज हम बनाएंगे दही के रोल। तो ये हम दही ब्रेड रोल बनाएंगे, या फिर आप इसे दही के सोले भी बोल सकते हैं। इसे बहुत ही नामों से जाना जाता है, जैसे कि दही ब्रेड रोल, दही के सोले, या फिर आप दही कबाब भी बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इन्हें बनाना। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप ज़रूर बनाएं और सबको बनाकर खिलाएं। तो ये हमने आधी कप दही लिया है और एक कप दही हम बाद में लेंगे। तो ये हम लगभग 2 कप दही लेंगे और इसे हम अच्छे से बांध कर 3-4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि इसका पानी जो भी है वो निकल जाए। हमने 2 गाजर 2 प्याज, 1 शिमला मिर्च और 1 हरी मिर्ची और थोड़ा हरा धनिया ले लिया है, इन्हें कट कर लेंगे बारीक बारीक। तो सारी चीज़ों को इसी तरीके से हम कट कर लेंगे। शिमला मिर्च को भी देखिए, हम इसी तरीके से कट करेंगे। तो सारी चीज़ों को बारीक बारीक कट करें, ताकि जब हम ब्रेड के रोल बनाएं तो वो फटे ना। अगर हम इन्हें मोटे मोटे कट करेंगे तो ये फट जाएंगे। तो इसमें जो भी बीज हैं या फिर जो भी इसमें डंठल हैं, सभी निकाल दें शिमला मिर्च में और इन्हें बहुत ही बारीक बारीक कट कर लें। तो हरी मिर्ची को भी हमने बारीक बारीक कट कर लिया है और गाजर को भी इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो ये देखिए, सारी चीज़ें हमने बारीक बारीक कट कर ली हैं। और अब हम एक बॉल ले लेंगे, इसमें हमने जो दही को रखा हुआ है उसे निकाल लेंगे। तो ये हमने 2 जगह दही रखी थी पानी निकलने के लिए। तो 2 कप हमने दही ली है, तो देखिए कितनी टाइट हो चुकी है और कितनी थिक हो चुकी है। इसे मैश कर लेंगे चम्मच से। ये देखिए कितनी टाइट हमारी दही हो चुकी है। अब इसमें हम 3 से 4 चम्मच चीज़ डाल लेंगे। तो ये हमने मोजरेला चीज़ ले ली है, चीज़ से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो चीज़ को भी अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे कटी हुई, और इसमें हम हरी मिर्ची भी डाल लेंगे कटी हुई, और गाजर को भी ऐड कर देंगे, और ये कैप्सिकम को भी ऐड कर देंगे, और ये हरा धनिया भी हम ऐड कर लेंगे। तो सारी चीज़ें हमने ऐड कर ली हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए हमने सारी चीज़ों को ऐड कर लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ले लेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है, और 1 चम्मच हम इसमें नमक ले लेंगे, 1 चम्मच हम इसमें चाट मसाला पाउडर ले लेंगे, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए हमने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी हैं। अगर आप इसमें मेयोनीज डालना चाहते हैं तो आप मेयोनीज भी ऐड कर सकते हैं। हमने मेयोनीज की जगह चीज़ ऐड कर ली है इसमें, तो चीज़ से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बच्चे भी बहुत ही मज़े से खाते हैं, और ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो बच्चों के भी लिए बहुत ही हेल्दी है, तो इसे ज़रूर बनाएं और सबको बनाकर खिलाएं। तो देखिए इसे हमने अच्छे से मैश कर लिया है, तो इसे हम निकाल देंगे अब एक कटोरे में। तो देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर दिए हैं, तो इसे एक बॉल छोटे बॉल में निकाल दें। ये देखिए ये अच्छे से हमने एक बॉल में निकाल कटोरी में रख देंगे निकाल कर। और अब हम ब्रेड निकाल लेंगे। तो ये हमने ब्रेड ले लिए हैं मीडियम साइज़ में, ये हमने छोटे ब्रेड नहीं लिए हैं, ना ही ज़्यादा बड़े लिए हैं, मीडियम साइज़ में हमने ब्रेड लिए हैं। और ये हम ब्रेड की पन्नी ले लेंगे, ब्रेड की पन्नी को हम पीछे से कट कर देंगे। तो पीछे का हिस्सा जो ब्रेड की पन्नी का, उसे कट कर दें और इसे एकसार कर लें। तो देखिए हमने इसका पन्नी का पीछे का हिस्सा कट कर दिया है, और इसे अच्छे से प्लेन कर देंगे एकदम। ये देखिए ये अच्छे से हमने प्लेन कर दी है। तो पन्नी का यूज़ हम बाद में करेंगे। अब हम एक ब्रेड ले लेंगे 2, और ब्रेडों को हम अच्छे से बेलन से थोड़ा सा बेल लेंगे, ताकि अच्छे से फैल जाए और पतला सॉफ्ट हो जाए। तो दोनों ब्रेडों को इसी तरीके से बेल लेंगे। ये देखिए
ये कितने अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है, कितना पतला हो गया है। तो इसी तरीके से दोनों ब्रेडों को बेल दे। तो ये देखिए हमने दोनों ब्रेडों को बेल दिया है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में। अब हम एक पन्नी ले लेंगे, पन्नी पे हमने दोनों ब्रेडों को रख दिया इस तरीके से। तो अब इस पे हम थोड़ा सा पानी छिड़क लेंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं छिड़कना है इसमें, थोड़ा सा ही पानी हम इसमें डालेंगे। और अब इस पे हम जो हमने स्टफिंग बनाई है उस पे एक चम्मच स्टफिंग रख लेंगे। तो ज़्यादा स्टफिंग भी नहीं रखनी है हमें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा स्टफिंग रख लेंगे तो ये बाहर निकल जाएगी। तो हमें एक ही चम्मच इसमें स्टफिंग रखेंगे। तो हमें इसे उल्टा कर लेना है पन्नी को, क्योंकि ये पन्नी हमने उल्टी रख दी है। अब इसे हम ब्रेड को ऊपर से रख देंगे इसके ऊपर, और इसे पीछे से कर देंगे, और पन्नी को हम इसे ऊपर लेके आएंगे और इसे अच्छे से इस तरीके से हम घुमाएंगे और इसे थोड़ा सा पीछे को खींच लेंगे ताकि ब्रेड हमारा अच्छे से टाइट हो जाए। इस तरीके से खींचें, देखिए ये देखिए, और इसे पूरा रोल कर देंगे। अब इसे हम दोनों हाथों से दोनों तरफ से एक साइड से दोनों साइड से इसे घुमा दें। तो हमें एक साइड से घुमाना नहीं है, दोनों साइड से एक साथ घुमाना है, वरना इसकी स्टफिंग जो है दूसरी तरफ से निकल जाएगी। तो इसे दोनों तरफ से एक साथ ही इसे घुमाएं, और देखिए कितना अच्छा हमारा ब्रेड रोल बन के रेडी हुआ है। ये ब्रेड रोल हमारा बिल्कुल जैसे कि शंख होता है उस तरीके का हमारा ब्रेड रोल बन के रेडी हुआ है। तो दूसरा ब्रेड हम आपको बनाकर दिखाएंगे इसी तरीके से। सेम तरीके से हम दूसरा ब्रेड भी बना लेंगे। ये देखिए, तो आप चाहें तो आप सिंगल ब्रेड से भी बना सकते हैं। हम आपको सिंगल ब्रेड से भी बनाकर दिखाएंगे कि सिंगल ब्रेड से भी आप बहुत ही आसानी से छोटे छोटे ब्रेड रोल बना सकते हैं। तो देखिए इस पे भी हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इस पे भी हम थोड़ी सी स्टफिंग रखेंगे एक चम्मच, और इसे भी इसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले बनाया था उसी तरीके से हम दूसरे ब्रेड को भी रोल कर लेंगे। तो इस पे भी हम पन्नी को रखेंगे और फिर इसे अच्छे से घुमाएंगे और इसे अच्छे से पीछे को खींच लेंगे, थोड़ा सा टाइट कर लेंगे ब्रेड को। ये देखिए, और इसे अच्छे से रोल कर देंगे। तो इसे भी हम दोनों तरफ से एक साथ ही दबाएंगे ताकि ये अच्छे से बन जाए। तो ये देखिए दो ब्रेड हमारे रेडी हो चुके हैं, इसे निकाल देंगे। तो ये देखिए दूसरे ब्रेड को भी हमारा रेडी हो चुका है, उसे भी निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा बन रहा है हमारा ब्रेड रोल। अब हम आपको एक ब्रेड से बनाकर दिखाएंगे। एक ब्रेड से भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो ये हमने बेल के रखा हुआ है, इस पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे। सेम स्टेप से हमें इसे भी बनाना है, और इस पर भी हम एक चम्मच स्टफिंग रख लेंगे। और ब्रेड को हम इसे ऊपर से इसे इस तरीके से रखेंगे जैसे हमने दूसरा ब्रेड रखा था, और इसे भी हम इसी तरीके से पीछे को थोड़ा टाइट कर लेंगे। ये देखिए, और इसे पूरा पन्नी को इसे रोल कर देंगे, और इसे भी दोनों तरफ से एक साथ दबा देंगे टाइट से। ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ से रोल कर दें, और इसे अब निकाल लेंगे हम ब्रेड को। ये देखिए कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है हमारा सिंगल ब्रेड से भी, और कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके से आप सारे ब्रेडों को बना लें। तो ये देखिए हमने सारे ब्रेडों को इसी तरीके से बना लिया है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, और कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेंगे। तो ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब हम ब्रेडों को सेक लेंगे। तो ये देखिए हमने इसमें ब्रेड छोड़ दिए हैं, 4 से 5 ब्रेड हम एक साथ सेकेंगे। तो ज़्यादा ब्रेड इसमें ना डालें वरना ये चिपक जाएंगे एक साथ। तो ये देखिए 4 से 5 हमने इसमें ब्रेड डाल लिए हैं।
और इन्हें एक तरफ से सेक लेंगे। तो हमें इन्हें ज़्यादा नहीं सेकना है, तो इसे हम पलट देंगे। एक साइड से हमारे सिक चुके हैं तो दूसरी तरफ से हम इसे सेक लेंगे, जो इन्हें अच्छे से पलट दे और धीरे से पलटें ताकि ये फूटे ना। ये देखिए इसे हमने पलट दिया है अच्छे से। इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से घर में ब्रेड रोल बना सकते हैं, दही ब्रेड रोल। तो ये देखिए हमारे ब्रेड रोल सिक चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। तो इन्हें अच्छे से धीरे अच्छे से इनका तेल निकाल दें और फिर इन्हें निकाल लें। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारे ब्रेड रोल में। तो ये बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन सिक गए हैं और ये दही ब्रेड रोल बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुए हैं। तो चलिए इन्हें अब हम सर्व करेंगे। तो अब हम दोबारा भी इसी तरीके से सेक लेंगे जो ब्रेड हमारे बचे हैं। ये देखिए सारे ब्रेडों को इसी तरीके से आप सेक लें। तो अब हम इन्हें सर्व कर लेंगे चटनी के साथ। तो आपको जो भी चटनी पसंद है आप उसके साथ सर्व करें। हम ये हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे बन के रेडी हुए हैं मेरे ब्रेड रोल। तो आप ज़रूर बनाकर खिलाएं सबको, बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं ये। और ये हम कट करके दिखाते हैं आपको कितने अच्छे और कितने क्रिस्पी बन के रेडी हुए हैं ये। तो ये देखिए कितना अच्छा ब्रेड रोल हमारा बन के रेडी हुआ है, दही ब्रेड रोल। और आप सबको बनाकर ज़रूर खिलाएँ। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और हम आपसे आगे मिलते हैं और नई वीडियो के साथ।